हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट, कि किस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन जो है उसका संगठन हुआ 1870 से 1947 के बीच में। इन द प्रीवियस चैप्टर्स वी हैव लुक्ड, हमारे जो पहले हम चैप्टर इस बुक के पढ़ चुके हैं उनमें हमने इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। द ब्रिटिश कंक्वेस्ट टेरिटरीज एंड टेक ओवर द किंगडम्स, कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो किस तरह भारत में आए और यहाँ की टेरिटरीज़ को उन्होंने जो है जीता, और फिर यहाँ के जो किंगडम्स हैं, राज्य हैं, उन पर भी अपना आधिपत्य उन्होंने जमा लिया। फिर हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, कि किस तरह से उन्होंने जो है ब्रिटिशर्स ने नए नए नियम लगाए, प्रशासन के जो नए नए इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन्होंने ओपन किए। चेंजेस इन द लाइफ्स ऑफ पीजेंट्स एंड टेरिबल्स, कि किसानों और जनजातियों के जीवन को किस तरह से उन्होंने प्रभावित किया और बदला। एजुकेशनल चेंजेस इन द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में किस तरह के हम कहें कि शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी बदलाव थे वो इन लोगों ने किए। डिबेट्स रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ वुमेंस, हमने महिलाओं की स्थिति को लेकर भी प्रीवियस जो चैप्टर्स हैं उनमें डिबेट के उसको डिस्कस किया। चैलेंजेस ऑफ द कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा को लेकर भी हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म, सामाजिक और धार्मिक जो हमने रिफॉर्म्स हैं उनके बारे में यहाँ पे पढ़ा, सुधार है उनके बारे में हमने पढ़ा। द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स आफ्टरमैन, 1857 का जो आंदोलन था उसके बारे में और उसके क्या रिजल्ट्स रहे वो हमने पढ़ा। द डिक्लाइन ऑफ क्राफ्ट एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, कि किस तरह से क्राफ्ट का यहाँ पे जो है डिक्लाइन हुआ और किस तरह से इंडस्ट्रीज का उदय हुआ वो हमने डिस्कस किया। सो ऑन द बेसिस व्हाट यू हैव रीड अबाउट दीज इश्यूज, कि इन सभी इश्यूज को हम जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डू यू थिंक इंडियंस वर डिसकंटेंट विद ब्रिटिश रूल, क्या आप ऐसा सोचते हो कि जो भारतीय लोग हैं वो ब्रिटिशर्स के रूल से परेशान थे, डिसकंटेंट थे? इफ सो तो ऐसा था, हाउ वर डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस डिससेटिस्फाइड, और अगर वो खुश नहीं थे या खुश थे उनके उससे, तो डिफरेंट जो ग्रुप्स थे क्लासेस थे तो वो उनसे सहमत क्यों नहीं थे, डिससेटिस्फाइड क्यों थे? सो लेट रीड इन दिस चैप्टर लॉट ऑफ थिंग्स रिगार्डिंग द ब्रिटिश रूल्स एंड द मूवमेंट्स विच हैज़ टू बी रेज इन नेशनलिज्म, कि राष्ट्रवाद का जो उदय है, द एमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म, कि भारत में राष्ट्रवाद की जो फीलिंग है, जो भावना है, जो आंदोलन है वो किस तरह से डेवलप हुई, लोगों के मन में वो अवेयरनेस आई कि हमारे देश को आज़ाद होना चाहिए, हमारे ऊपर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए गए हैं वो गलत हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द एमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म, कि राष्ट्रवाद का जो उदय है वो कैसे हुआ। द अबव मैंशन डेवलपमेंट्स लेट द पीपल टू आस्क अ क्वेश्चन, कि ऊपर जितने भी डेवलपमेंट्स हमने पढ़े हैं, जितने भी डिस्कस हमने किए हैं प्रीवियस चैप्टर्स में, उनके बाद में लोगों के मन में एक क्रिशियल क्वेश्चन जो है, हम कहें कि एक असमंजस्य वाला प्रश्न जो है वो उनके दिमाग में आने लग गया। वॉट इज़ दिस कंट्री ऑफ इंडिया, कि ये देश क्या है जिसका नाम भारत है, एंड फॉर हुम इज़ इट मेंट, और ये किसके लिए है, ब्रिटिशर्स के लिए है या इंडियंस के लिए है। द आंसर दैट ग्रेजुअली अमर्ज्ड वॉज, जो प्रश्न जिसका उत्तर हमारे सामने आया वो ये आया, द इंडिया वॉज द पीपल ऑफ इंडिया, भारत उन लोगों का है जो भारत के हैं, ऑल द पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, किसी भी जाति का क्लास का हो, किसी भी कलर का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रीड का हो, लैंग्वेज का हो, जेंडर का हो, भारत उन सभी का है। एंड द कंट्री इट्स रिसोर्सेज एंड सिस्टम वर मेंट फॉर ऑल ऑफ देम, और इस देश के जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो भी सिस्टम है, ये उन सभी का है। विथ दिस आंसर, लेकिन इस उत्तर के साथ केम द अवेयरनेस दैट ब्रिटिशर वर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। इस उत्तर के साथ में एक चीज़ जो लोगों के सामने आई वो ये थी कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया में कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी वो अपना आधिपत्य यहाँ पे, अपना स्वामित्व यहाँ पे बिठाए हुए हैं, और यहाँ के जितने भी रिसोर्सेज हैं
उनका यूज़ कर रहे हैं एंड द लाइव्स ऑफ इट्स पीपल, और यहाँ तक कि देश के जो लोग हैं उनके जीवन को भी वो क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं. एंड अनटिल दिस कंट्रोल वॉज एंडेड, और जब तक ये कंट्रोल रहेगा वॉज एंडेड एंड नहीं होगा, कुड नॉट बी फॉर इंडियंस, तब तक ये देश भारतीय लोगों का नहीं होगा. यानी लोगों को ये चीज़ समझ में आने लगी कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, वो हमारे ही रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, हमारा ही शोषण कर रहे हैं, हमारे ही सिस्टम के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हैं, हमारे ही कल्चर हेरिटेज को डिक्लाइन कर रहे हैं, हमारे ही इंडस्ट्रीज़ को डैमेज कर रहे हैं. तो लोगों ने अवेयर होना शुरू किया. दिस कॉन्सिक्वेंसेस बिगिन टू बी क्लियरली, और ये तब क्लियर हुआ स्टेटेड बाय द पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म्ड आफ्टर 1850s, कि जब हमारे देश की जो पॉलिटिकल राजनीतिक समितियाँ बनना शुरू हुई 1850 में, स्पेशली दोज दैट केम इन टू बींग इन द 1870s and 1880s. ये 1870 और 80 के दशक में जो कमीशन्स एसोसिएशन सामने आई, उन लोगों ने इस चीज़ के बारे में और लोगों को अवेयर किया. Most of these were led by English educated professionals such as lawyers. इसमें हम कहें तो पूर्णतया जो professionals थे, जो English educated professionals थे, जो lawyers थे, वो भी support में आए. The more important one were the Pune सार्वजनिक सभा. ये जो है ये भी एक तरह का हम कहें कि association थी जो कि Indians ने बनाया. The Indian association था इसका नाम. The Madras महाजन सभा, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एंड ऑफकोर्स द इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो ये सारे के सारे जो एसोसिएशंस बने, ये सारे के सारे जो समितियाँ बनी, इनका मेन एजेंडा था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लोगों में अवेयरनेस डेवलप करना, लोगों को बताना कि किस तरह से ये हम लोगों का मिसयूज़ कर रहे हैं. नोट द नेम पूना सार्वजनिक सभा, कि जो शब्द दिया गया है पूना सार्वजनिक सभा, इस नाम को ध्यान से देखिए. द लिटरल मीनिंग ऑफ सार्वजनिक, सार्वजनिक का मतलब क्या है, ऑफ ऑल फॉर ऑल द पीपल, कि ये सब लोगों के लिए. सार्वजनिक का मतलब सर्व का मतलब ऑल, जनिक का मतलब पीपल, तो सभी लोगों का इसके अंदर कंट्रीब्यूशन होगा. द मैनी ऑफ दीज एसोसिएशन फंक्शन इन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द कंट्री. ये जो एसोसिएशन थी, ये जो संगठन थे, ये देश के लगभग हम कहें कि कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स में ही काम कर रहे थे. देयर गोल वर स्टार्टेड एज द गोल्स ऑफ ऑल द पीपल, और इनका जो लक्ष्य था, इनका जो एम था, इनका जो गोल था, वो सिर्फ इन्हीं का नहीं था, बल्कि ऐसा माना गया कि वो सभी इंडियंस का गोल था. देयर गोल्स वर स्टार्टेड एज द गोल्स ऑफ ऑल पीपल ऑफ इंडिया, नॉट दोज ऑफ एनी वन रीजन, केवल एक क्षेत्र का नहीं, केवल एक समाज का नहीं, या केवल एक श्रेणी का नहीं था, बल्कि देश के सभी लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया गया. दे वर्कड विद द आइडिया दैट द पीपल शुड बी सॉवरेन. ऐसा माना गया था कि इसमें जो भी काम कर रहा है उसमें सब में सॉवरेन की भावना आनी चाहिए, यानी संप्रभुता की भावना आनी चाहिए. अ मॉडर्न कॉन्सिक्वेंसेस एंड अ की फीचर ऑफ द नेशनलिज्म, इसी को जो है एक आधुनिक जागरूकता माना गया, और इसे राष्ट्रवाद का एक महत्वपूर्ण फीचर भी माना गया, इसको विशेषता भी मानी गई. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो दे बिलीव दैट द इंडियन पीपल शुड बी एम्पावर्ड, कि जो भारत के जो लोग हैं उनको एम्पावर करना चाहिए टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग देयर अफेयर्स, कि लोग अपने निर्णय स्वयं ले सकें. द डिससेटिस्फैक्शन विद ब्रिटिश रूल इंटेंसीफाइड इन 1870s and 1880s, कि जो ब्रिटिश रूल्स के खिलाफ जो लोगों में असंतोष था वो 70 और 80 के दशक में और उजागर हुआ और सामने आया. द आर्म एक्ट वॉज पास्ड इन 1878. आर्म एक्ट जो है वो 1878 में डिस अलाउइंग इंडियंस फ्रॉम प्रोसेसिंग आर्म्स, कि कोई भी लोग जो है ब्रिटिशर्स को हम कहें कि रूल्स को डिस अलाउ नहीं कर सकता है, उनको मानना होगा. इस तरह से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने आर्म्स एक्ट को लागू किया. इन द सेम ईयर, इसी साल में हम कहें, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वॉज ऑल्सो एनेक्टेड इन एन एफर्ट टू साइलेंस दोज हु वर क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट. और इसी साल में हम कहें 1878 में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है
उसे भी ब्रिटिश सरकार ने लागू किया। इसका मतलब ये था कि जो भी प्रेस वाले हैं, जो भी उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जो भी सरकार की आलोचना कर रहे हैं, उन्हें चुप करवाया जा सके। द एक्ट अलाउड द गवर्नमेंट टू कन्फिसेट द एसेट ऑफ न्यूज़पेपर्स इंक्लूडिंग देयर प्रिंटिंग प्रेस इफ़ द न्यूज़पेपर पब्लिश एनीथिंग दैट वॉज फाउंड ऑब्जेक्शनेबल इन, यानी यहाँ इस एक्ट की बात अगर हम करें, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की अगर हम बात करें, तो इस एक्ट के अंदर स्पष्ट कहा गया था कि कोई भी प्रिंटिंग प्रेस, कोई भी न्यूज़पेपर अगर सरकार के खिलाफ कोई भी चीज़ छापती है जो कि ऑब्जेक्शनेबल हो, जो कि आपत्तिजनक हो, तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस, उसकी मशीन्स सबको जब्त कर सकती है। इन 1883 देयर वॉज अ फ्यूरर ओवर द अटैम्प्ट बाई द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस द एल्बर्ट बिल। और भी लोगों के अंदर जो हम कहें कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी जब सरकार ने एल्बर्ट बिल स्टार्ट किया था। द बिल प्रोवाइड फॉर द ट्रायल ऑफ ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सन बाय इंडियंस। ये जो है एक ट्रायल था ब्रिटिशर्स का, यूरोपियन पर्सनस का इंडियंस पे। एंड साउथ इक्वलिटी बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिश जजेस इन द कंट्री। इसमें यह था कि कोई भी जो इंडियन जजेस हैं वो ब्रिटिशर्स जो इंडिया में काम कर रहे हैं उनको, उनके अगेंस्ट जो है वो बात कर सकते हैं। बट व्हेन वाइट अपोजिशन फोर्स द गवर्नमेंट टू विथड्रॉ द बिल, लेकिन जो वाइट पीपल्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इस बिल को विथड्रॉ करवा दिया, इसको वापस ले लिया। इस बिल को वापस लेने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि इससे जो इंडियन जजेस थे, जो इंडियन कोर्ट के जो जजेस थे, वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कोई भी केस फायर कर सकते थे, उस पर सुनवाई हो सकती थी। तो इससे ब्रिटिशर्स को ये लगा कि इससे तो हमारा ही नुकसान होगा, तो इन्होंने इस बिल को विथड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया। इंडियंस वर अनरेक्ट, इससे इंडियंस जो थे वो काफ़ी गुस्से में हुए। द इवेंट हाईलाइटेड द रेसिकल एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। इससे ब्रिटिशर्स का जो भेदभाव था, जो एटीट्यूड था उनका भारतीयों के प्रति, वो लोगों के सामने हाईलाइट हुआ, वो सामने आया किस तरह से वो लोग जो है इंडियंस को पसंद नहीं करते हैं। द नीड फॉर एन ऑल इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेटेड इंडियंस हैज़ बीन फेल्ट सिंस 1880s, बट द एल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी डिपेंड्स देयर डिज़ायर। कि अब जो है द नीड फॉर एन ऑल इंडियन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, कि अब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी जिसमें के अंदर जो हम कहें कि ऑफ एजुकेटेड इंडियंस, कि जो इंडियन एजुकेटेड पीपल थे वो उसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन जो अल्बर्ट बिल था वो फिर भी कंट्रोवर्सी का, हम कहें कि डिपेंड्स देयर डिसडिज़ायर, कि उस चीज़ को जो है हम कहें कि लोग जो हैं अभी भी स्वीकार नहीं कर रहे थे कि इस बिल को वापस विथड्रॉ कर दिया गया है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज इस्टैब्लिश व्हेन, भारतीय कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया, जिसके अंदर हम कहें कि 72 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल आवर कंट्री मेट एट बॉम्बे इन दिसंबर 1885। इसके अंदर 72 जो डेलीगेट थे हमारे देश के, वो एक साथ मिले बॉम्बे में इन दिसंबर 1885। द अर्ली लीडरशिप, और इसके जो हम कहें कि जो लीडर जो थे वो थे दादा भाई नौरोजी और फिरोजदास मेहता, बरुद्दीन तैयब जी, बीसी बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्यम अय्यर, अमंग अदर्स। और भी लोग थे जो इस कमेटी के लीडर्स थे, वॉज लार्जली फ्रॉम बॉम्बे टू कैलकटा, जो कि बॉम्बे और कलकत्ता से थे। नौरोजी जो थे अब बिजनेसमैन थे एंड पब्लिस्ट सेटल इन लंदन, और ये लंदन से थे, लंदन में रहते थे। एंड फॉर अ टाइम मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, और कुछ समय के लिए ये जो हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर भी रह चुके थे। गाइडेड द यंगर नेशनलिस्ट, और इन्होंने जो हमारे देश के जो युवा राष्ट्रीय लोग थे, राष्ट्रवादी लोग थे, उनको काफ़ी गाइड किया। अ रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल, एक रिटायर्ड जो ब्रिटिश ऑफिसर थे A.O. Hume also played a part in bringing Indians from the various regions together. यानी एक ब्रिटिशर ऑफिसर जो थे A.O. Hume, इन्होंने भी भारतीयों को एक साथ लाने का जो है अपना बड़ा कंट्रीब्यूशन उस चीज़ में किया। Who did the Congress seek to speak for? कि कांग्रेस जो है वो किसके बारे में बात करती है। द न्यूज़पेपर द इंडियन मिरर
ब्रॉट इन जनवरी 1886 1886 में जनवरी में एक इंडियन न्यूज़पेपर जिसका नाम था द इंडियन मिरर, उसके अंदर लिखा था द फर्स्ट नेशनल कांग्रेस एट बॉम्बे, कि पहली जो राष्ट्रीय कांग्रेस है वो बॉम्बे में स्थापित हुई, इज़ द न्यूक्लियस ऑफ अ फ्यूचर पार्लियामेंट फॉर आवर कंट्री, ये हमारे आने वाले भविष्य का पार्लियामेंट है, एंड विल लीड टू गुड ऑफ इनोवेसिबल मैग्नीट्यूड फॉर आवर कंट्रीमैन, और ये हमेशा हमारे देश के लोगों को एक साथ लेकर चलेगी। बद्रुद्दीन तैयब जी एड्रेस द कांग्रेस एज प्रेजिडेंट इन 1887 10, और जब 1887 में बद्रुद्दीन तैयब जी को इस समिति का, इस कांग्रेस पार्टी का इन्होंने जो प्रेजिडेंट बनाया गया, तो उन्होंने एक बात कही कि दिस कांग्रेस इज़ कम्पोज फॉर ऑफ ऑल द रिप्रेजेंटेटिव्स, ये सभी रिप्रेजेंटेटिव का मिश्रण है, नॉट एनी ऑफ वन क्लास और कम्युनिटी ऑफ इंडिया, ये भारत के एक किसी विशेष जाति या एक विशेष कम्युनिटी समाज से नहीं बनी है, बट ऑफ ऑल द डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ इंडिया, बल्कि इस पार्टी के जितने भी लोग हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, वो इंडिया की हर एक समाज को डिनोट करते हैं, यानी सभी लोग जो हैं इंडिया के वो इसका हिस्सा माना जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।